नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। जी तो आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 13/2017 में जो विज्ञापन संख्या है उसकी रिजल्ट जारी कर दिया है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा स्टूडेंट्स का हुआ है और कौन किस स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, टोटल कितने स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब देख पा रहे हैं, देखिए आप यह प्रेस विज्ञप्ति आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा, JPSC की वेबसाइट पर भी। ओके, तो ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग है जस्ट तुरंत 10 मिनट पहले ही ये विज्ञप्ति जारी किया है। तो मैं दिखाता हूं आपको रिजल्ट किन किन स्टूडेंट्स का हुआ है। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर BIT सिंधरी एडवर्टाइजमेंट संख्या इतना। देखिए रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो मेटलर्जी की मैं बात करूँ तो मेटलर्जी में 4 स्टूडेंट्स का हुआ है, UR में 2 स्टूडेंट्स का हुआ है, ST में 1 और EBC में 1 स्टूडेंट्स का हुआ है। इस तरह केमिकल एंड इंजीनियरिंग का मैं बात करूँ तो इसमें 2 और 3 5 स्टूडेंट्स UR का हुआ है, ST का हुआ है 3 और BC का हुआ है 1 स्टूडेंट्स। ओके, और मैं माइनिंग की मैं बात करूँ तो माइनिंग में हुआ है 5 स्टूडेंट्स का, 3 जो है UR के, ST 1 और SC 1। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हुआ है 2 स्टूडेंट्स का, 1 UR में और 1 ST में। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैं बात करूँ तो 2 स्टूडेंट्स में हैं UR में और 1 हुए हैं ST में और 1 हुए हैं EBC में। ओके, और तो यही था रिजल्ट। आप लोग एक बात और, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अभी JPSC PCS की मेंस की, तो वो अभी तैयारी करते रहें क्योंकि अभी 1-2 दिन में हो सकता है कल इसी टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो आप घबराएं नहीं, जस्ट नहीं, आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो हो सकता है कल भी मिल जाए आपको इसी टाइम, क्योंकि रिजल्ट जारी करता है तो शाम को रिजल्ट जारी करता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का जस्ट रिजल्ट 1-2 दिन में या हो सकता है कल ही आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।